स्टार न्यूज की टॉप 10 सुपर फास्ट खबरों में आज आपका स्वागत है। कोलकाता में आज पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये से बढ़कर 99.08 रुपये पर पहुंची, वही डीजल की कीमत 92.07 रुपये पर है। कोलकाता में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में कुल 1422 नए केस सामने आए। सोने की दाम में लगातार बढ़ोतरी, 46,550 रुपये से आज 46,900 रुपये तक पहुंचा। वहीं चांदी के दाम भी 675 रुपये से 692 रुपये पर पहुंच गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने बताया कि टोक्यो के ओलंपिक एथलीट्स एयर इंडिया के फ्लाइट से 14 जुलाई को रवाना होंगे। सूचना ये भी है कि बाकी बच्चे सभी टीम 16 से 19 जुलाई के बीच सफ़र करेंगे। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड सदस्य तबस्सुम आरा ने खुद ही एक महिला को वैक्सीन लगा दिया, जिस पर भारी विवाद छिड़ गया है। सफाई देते हुए तबस्सुम आरा ने कहा कि मैंने तो सिर्फ इंजेक्शन पकड़ा था, लगाया नहीं। बॉलीवुड दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई। आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव से 15 साल की शादी के बाद डिवोर्स लेने की घोषणा कर दी। उनका कहना है कि अब वो सिर्फ अपने बेटे आज़ाद राव खान के माँ बाप बने रहेंगे। कम संख्या में प्राइवेट बस के चलने पर बोले फिराद हकीम, हमने आग्रह किया है कि फिलहाल परी सेवा शुरू करें। परिवहन मंत्री फिराद हकीम ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार सख्त कदम उठाने पर बाध्य होगी। कोलकाता के आनंदपुर थाने इलाके से पुलिस ने कुल 16 जिंदा बम बरामद किया। घटनास्थल से 4 संदिग्ध अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। फर्जी देवांजन के बाद अब फर्जी सेना अधिकारी को बागुयाटी थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया। पता ये भी चला है कि उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया। सूत्रों के अनुसार इस फर्जी सेना अधिकारी का नाम राजू शॉ बताया गया है। कोलकाता के मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि तापमान 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होने की आशंका है।